राष्ट्रीय शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण परिषदः केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानम् प्रस्तौति पाठ्यचर्याधारिता श्रृंखला ध्वनिशाला। अस्तु तर्हि चलामः सप्तम कक्षायाः ध्वनिशालायाम्। नमस्कार, मैं जतींद्र मोहन मिश्र NCERT के भाषा शिक्षा विभाग में प्रोफेसर रत पर कार्यरत हूँ और आप सभी संस्कृत छात्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, NCERT के संस्कृत पाठ्य पुस्तक सातवीं कक्षा के लिए रुचिरा द्वितीय भाग के प्रथम पाठ सुभाषितानी, इस पाठ का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये पाठ शुरू करने से पहले दो वाक्य इस पुस्तक के नाम और इस पाठ के नाम पर हम करेंगे। पुस्तक का नाम है रुचिरा। रुचिरा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? आप सबको रुचि शब्द तो मालूम होगा, रुचि इंटरेस्ट, वो जहाँ पर होता है उसी को रुचिरा कहते हैं। रुचिरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है रुचिरा। रुचि शब्द से रुचिरा शब्द बनता है, जैसे मधु शब्द से मधुर बनता है और उसका स्त्रीलिंग में रूप करेंगे तो मधुरा होता है, वैसे रुचि रुचिरा और रुचिरा यानी रुचिकर। तो ये हो गया पाठ्य पुस्तक का जो नाम है उसका अर्थ। अब इसका पाठ जो है प्रथम पाठ सुभाषितानी, इस शब्द का परिचय कराते हैं। सुभाषितानी, इसमें दो शब्दों का मेलन हुआ है, सुभाषितानी। भाषितानी जो शब्द है वो भाषित शब्द जो नपुंसक लिंग का है उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, जैसे हम रूप करते हैं फलम फले फलानी, वैसे ही भाषितम भाषिते भाषितानी। तो भाषितानी इस शब्द के साथ सु जोड़ दिया जाता है तो सुभाषितानी होता है। तो सु शब्द का अर्थ क्या है? शोभनम, सुष्ठु, सम्यक, सुंदरम, समीचीनम, इस प्रकार के अनेक अर्थ होते हैं सु शब्द के। तो इस प्रकार से सुभाषितानी का अर्थ क्या होगा? शोभनानि भाषितानि सुभाषितानि, यानी सुंदर जो वचन है, भाषित शब्द का अर्थ है वचन, तो सुंदर जो वचन है उसको हम सुभाषित कहते हैं और उसका ये बहुवचन रूप है। संस्कृत भाषा के साहित्य या भाषा के बारे में जब भी कोई बात करते हैं, या यूं कहें कि जब आप संस्कृत पढ़कर आगे किसी भी कार्यक्षेत्र में जाएंगे और जब कभी आप संस्कृत को याद करेंगे कि आप संस्कृत में क्या पढ़ते थे, कुछ नहीं भी रहा याद तो आपको याद आएंगे संस्कृत के सुभाषित और संस्कृत के व्याकरण। ये दो चीज़ों के लिए संस्कृत का अध्ययन बड़ा मशहूर है कि संस्कृत में व्याकरण बड़ा मज़ेदार है और सुभाषित जो है बहुत ही सुंदर है। सुभाषित में जीवन के बड़े गूढ़ रहस्य बता दिए जाते हैं बड़े संक्षिप्त वाक्यों से, दो वाक्यों में ही पूरे जीवन का एक बड़ा संदेश आ जाता है। तो कम से कम अक्षर में बहुत प्रभावी ढंग से त्रिकाल सत्य को जो प्रकट करते हैं वचन, वो हम उसको सुभाषित कहते हैं। तो आइए प्रथम सुभाषित हम पढ़ते हैं। इस पाठ में जितने सुभाषित दिए गए हैं वह श्लोक संस्कृत के बड़े मशहूर जो छंद है अनुष्टुप, इसी छंद में संपूर्ण रामायण, संपूर्ण महाभारत, बड़े बड़े शास्त्रीय ग्रंथ सभी इसी छंद में, इस छोटे से छंद में, प्यारे से छंद में लिखे गए हैं और अधिकांश जो सुभाषित हैं वो इसी छंद में लिखे गए हैं। तो आप बच्चों के लिए संस्कृत सीखने के लिए ये सबसे छोटा छंद इस पाठ में दिया गया है, इसी छंद में सारे
श्लोक हैं, तो इस छंद को गाना सुनकर समझना बहुत आसान होता है। तो आप कई प्रकार से सुंदर ढंग से इसको गा सकते हैं। अगर यूं ही उसको गुनगुना भी लेंगे तो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं आपके सामने अपने ही अंदाज में इसको पढ़ता हूँ। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसको आप और भी मज़ेदार ढंग से गा सकते हैं। आप अपने अपने गान के कौशल इस पर आजमा सकते हैं। चलिए हम इसका अर्थ अभी समझते हैं। जब हम कोई भी श्लोक के अर्थ समझने के लिए प्रयास करें तो पहले सभी पदों को ठीक से अलग अलग करके हम देख लेते हैं। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि जलम अन्नम, यहाँ जलम अन्नम एक जुड़कर बताया गया है, आप उसको अलग अलग कर लीजिए। जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु, ये दो पदों का समास होकर एक हुआ है, पाषाणखण्डेषु। रत्न संज्ञा विधीयते, अब इसका अर्थ करते हैं। पृथिव्याम यानी पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी में त्रीणि रत्नानि सन्ति, तीन रत्न हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर हमें लगता है कि बहुत सारे रत्न हैं, हीरे मोती सोने चांदी इत्यादि बहुत रत्न हैं, किंतु यहाँ कवि का कहना है कि नहीं, वो सब रत्न नहीं हैं, पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। कौन से वो तीन रत्न? जलम अन्नम सुभाषितम, जल है अन्न है यानी पानी है पीने के लिए, खाने के लिए भोजन है, अन्न शब्द का अर्थ है भोजन। और ये दोनों तो हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक है, जीवन जीने के लिए। और तीसरा अगर कोई है जो हमारे जीवन को बहुत सुंदर बना सकता है, एक आदर्श जीवन बना सकता है, तो वो रत्न जो है तीसरा, वो है सुभाषित, जिसको हम अभी आप लोगों को सिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये सुभाषित, एक एक सुभाषित एक एक रत्न के समान है। अगर जीवन में आपने एक भी सुभाषित को सीखा और उसको जीवन में उतारा, आचरण में ले आया, तो आपका जीवन कोई सामान्य नहीं रहेगा, असामान्य अति उन्नत स्तर तक आप पहुंच जाएंगे। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, तो जिसको हम संसार में रत्न संज्ञा से संबोधित करते हैं, उनका क्या? कह रहे हैं कि मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते, यानी मूढ़ा पाषाणखण्डानि रत्नम इति वदन्ति, यानी जो मूढ़ लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों में, देखिए हीरा क्या है, वो एक प्रकार का पत्थर है, मोती क्या है, एक प्रकार का पत्थर है, चाहे सोना हो चाहे चांदी हो चाहे पर्ल हो चाहे रूबी हो, जितने भी आप कीमती, उनको हम पत्थर ही कहते हैं, कीमती पत्थर हैं, तो यानी पत्थर ही तो हैं। तो उन पत्थरों को जो रत्न संज्ञा देते हैं, संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, तो जो हम उनको रत्न कहते हैं, ये मूढ़ लोगों का कार्य है, यानी मूढ़ ही उनको रत्न कहते हैं। अगर जो बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी हैं, वही जानते हैं कि पृथ्वी पर तीन ही रत्न होते हैं, वो है जल अन्न और सुभाषित। तो दोबारा इस श्लोक को सुनकर समझने के लिए प्रयास करिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब दूसरा श्लोक। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ये श्लोक सत्य के महत्व के बारे में कहता है। सत्य के महत्व को समझने से पहले हमें सत्य क्या है
उसको थोड़ा सा गहराई से जानना चाहिए। जो हम कहते हैं कि सत्य, इसको हम हिंदी में अनुवाद करते हैं सच, ये वह सत्य नहीं है। सत्य वो है जो आपने कभी सुना होगा कि सत्य वचन, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम सुना होगा, तो वो जिस अर्थ में सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है वही अर्थ यहाँ पर भी ले सकते हैं। सत्य का अर्थ नहीं है कि जो बीती हुई बात है उसको यथार्थ रूप से कहना, नहीं। सत्य का अर्थ यह है कि अगर आपने कुछ कहा है, कुछ वादा किया है, तो उसको हर हाल में निभाना, चाहे उसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकाना पड़े। तो वही सत्य से ही ये जो निसर्ग है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, वो उसी सत्य के बल पर चलता है। कह रहे हैं कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, जो ये पृथ्वी जो धारित है, जो पृथ्वी जो चल रही है इस आकाश में, पृथ्वी रूप जो गोला है वो जो घूम रही है, धारण किया गया है पृथ्वी का, वो सत्य से धारण किया गया है। अर्थात यही सत्य है, वही धर्म है। यानी एक बार पृथ्वी ने वादा कर लिया कि उसको घूमना है तो किसी भी हालत में वो घूमती रहती है। या सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसने पृथ्वी को अपने चारों तरफ से घुमाने का एक प्रकार से प्रतिज्ञा कर लिया है। तो ये जो सत्य है एक प्रकार से प्रतिज्ञा वचन है, सत्य वचन है। तो इसी सत्य वचन से ही पृथ्वी अपने चारों तरफ भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। अपने चारों तरफ घूमते हुए दिन और रात कराती है और सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए वो अलग अलग ऋतुओं को पहुंचाती है। अगर वो सत्य का भंग कर दिया जाए तो पृथ्वी धारित नहीं रह पाएगी। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि ही। रवि शब्द का अर्थ क्या है? रवि है सूर्य। तो रवि ही तपते, यानी रवि ही तप्तः भवति। रवि जो है, सूर्य जो है, वो गर्म होता है, आग उगलता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पर भी सत्य है, सत्य वचन है। वो कभी अपने उस सत्य वचन को खंडित नहीं होने देंगे। तो ये सत्य ही है जो पृथ्वी को धारण कर रही है, ये सत्य ही है जो सूर्य को तपाता है। वैसे ही ये सत्य ही है, सत्येन वाति वायुश्च, ये सत्य ही है जो वायु जिसके कारण बहता है। वायु वाति, यानी वायु बहता है किससे? सत्येन। अच्छा, यहाँ जो सत्येन, ये जो तृतीय विभक्ति है, इसको आप साधन के रूप में न लेकर आप कह सकते हैं कि हेतु अर्थ में ये तृतीय विभक्ति है। यानी सत्य के कारण, सत्य के कारण पृथ्वी धारित है, सत्य के कारण सूर्य तपता है, सत्य के ही कारण वायु बहता है, और इस प्रकार सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। अगर सत्य नहीं होता तो ये संसार जिस प्रकार से चलता है उस प्रकार से नहीं चल पाता। हम मनुष्य वो सत्यवादी नहीं रह पाते। हम एक प्रकार से कहते हैं और करते समय हम दूसरे प्रकार बदल जाते हैं और तीसरे प्रकार से हम सोचने भी लगते हैं, क्योंकि हम सत्य पर प्रतिष्ठित नहीं रहते, हम सत्यनिष्ठ नहीं रहते, किंतु हमारा निसर्ग जो है, हमारी प्रकृति है, वो हमको सिखाती है कि कैसे सत्य पर प्रतिष्ठित हम रहें। तो इस प्रकार से ये श्लोक होता है और आज को दोबारा हम सुनते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब तीसरा श्लोक। दाने तपसि शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा।
दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये। ये सभी शब्दों को आप अगर गौर करें तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप है, और ये सभी का रूप एक जैसा है सिर्फ एक शब्द को छोड़कर। कौन सा है वो? तपसि। बाकी सभी शब्द देखिए, दाने शौर्ये विज्ञाने विनये नये, ये सभी सप्तमा विभक्ति एक वचन जो एकारांत रूप होता है। और एकारांत रूप सप्तमी विभक्ति में किस शब्द का होता है? जो कोई शब्द अकारांत होता है, जैसे दान शब्द है अकारांत, शौर्य शब्द अकारांत है, विज्ञान शब्द अकारांत है, विनय शब्द अकारांत है, नय शब्द अकारांत है, तो इन सभी के सप्तमी विभक्ति में ए होता है। सिर्फ तपस जो शब्द है वो सकारांत होने के कारण उसके रूप थोड़े अलग होता है होते हैं, तो वो तपसी। इस प्रकार से वही सप्तमी विभक्ति में रूप है। अब इसका अर्थ, सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या होता है कि उसमें, उस पर। तो अब इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? दाने यानी दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये यानी विनम्रता में, नये नये शब्द का अर्थ है नीति, तो नीति में। विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो ऐसे बहुत सारे महापुरुष हमारे इतिहास में इस धरती पर होकर गए हैं जिनका चरित्र पढ़कर हम बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि उनमें ये गुण इतने सुदृढ़ कैसे है। कह रहे हैं कि दाने, हमने सुना होगा बहुत सारे महादानियों के बारे में, आपने महादानी कर्ण के बारे में सुना है, आप हरिश्चंद्र के बारे में सुना है, आप दानवीर बलिराजा के बारे में सुना है, और ऐसे बहुत आपको उदाहरण मिलेंगे। तो दाने, वैसे तपसी, ऐसे बहुत महापुरुष तपस्या से, आपने तो ऋषि मुनियों के कहानी भी बहुत सुने होंगे रामायण में, महाभारत में, पुराणों में, तो कितने कठोर तपस्या हमारे ऋषि गण करते थे, और तब उनको जाके कोई ज्ञान या कोई शक्ति कोई सिद्धि मिलती थी। शौर्य, बड़े बड़े शूरवीरों की कहानी हम जानते हैं। वैसे ही विज्ञाने, बड़े बड़े आविष्कार हमने किए हैं, बड़े बड़े ज्ञान हमारे धरती पर हमारे मनीषियों ने हमें दिया है। और विनये नये, विनम्रता में भी हमारी जो संस्कृति है वो विनम्रता बहुत अच्छी तरह से सिखाती है, और ऐसे बहुत विनम्र व्यक्ति हमने उनके बारे में सुना है, देखा है। और नये और नीति, जो सुनीति है, अच्छी नीति है, जिससे राष्ट्र चलता है, जिससे समाज चलता है, जिससे व्यक्ति अपना व्यक्तिगत उन्नति करता है, वो नीति। तो इन सब के बड़े बड़े उदाहरण हमारे इस धरती पर मिला है, तो उसमें हमें आश्चर्य होता तो है, किंतु ये कवि कह रहे हैं कि इतना आश्चर्य होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वसुंधरा का नाम है बहुरत्ना। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा शब्द का अर्थ है पृथ्वी। क्यों वसुंधरा पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहते हैं? वसुनी धरती इति वसुंधरा, यानी वसु शब्द का अर्थ है धन संपत्ति दौलत, रत्न ये होते हैं वसु। तो बहुत वसुओं का जो धारण करती है वो है पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर अनलिमिटेड है ना, अमाप संपत्ति है वसुंधरा, इसलिए उसका नाम वसुंधरा है। तो कहते वसुंधरा बहुरत्ना होती ही है, तो जब पृथ्वी बहुरत्ना है तो उसमें ये सब रत्नों को हम देखकर इतने आश्चर्य होने की क्या ज़रूरत है। एक प्रकार से परोक्ष रूप से कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जिन रत्नों के लिए आप पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं वहाँ हमारा वस्तुतः भ्रम है। जैसे पहले श्लोक में कहा गया था कि मूर्ख लोग ही पाषाण खंडों में रत्नों को देखते हैं, वैसे इस श्लोक में भी कहा जा रहा है कि जिस कारण आपने वसुंधरा नाम रखा है पृथ्वी को, वो उसके पत्थरों के टुकड़ों के लिए नहीं, वो सोने चांदी हीरे मोती माणिक्य इन चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि
पृथ्वी पर ऐसे महान महान हस्ती बड़े बड़े व्यक्ति होकर गए हैं जिनके एक एक गुण एक एक महारत्न के समान हैं, और उन सब के कारण, उन सब की माता होने के कारण, उन सब को धारण करने के कारण पृथ्वी को हम वसुंधरा कहेंगे। तो वो सब रत्न कौन से हैं जो पहले वाक्य में कहा गया, दान, तपस, शौर्य, विज्ञान, विनय, नय। तो ये सब एक एक प्रकार के रत्न हैं। चलिए अब इस श्लोक को दोबारा सुनकर समझिए। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब चौथे श्लोक पर आते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत। सद्भिरेव सहासीत। अब ये सत् शब्द के तृतीय व्यक्ति बहुवचन है सद्भिः, तो सद्भिः एव सह आसीत। अब ये सत् शब्द का अर्थ क्या है? सत् शब्द का अर्थ है सज्जन। सज्जन शब्द में भी एक सत् शब्द है, उसके साथ जन शब्द जुड़ा है, तब बनता है सज्जन। तो यानी सत् अर्थात साधु, सज्जन, संत, भद्र, अच्छा व्यक्ति, वो है सत्। तो सद्भिः, ये तृतीय व्यक्ति बहुवचन होने के कारण इसका अर्थ क्या होगा? सद्भिः यानी सज्जनों के साथ। वैसे साथ के लिए एक दूसरा शब्द भी है वहां पर सह, वो शब्द नहीं भी होता तो भी सद्भिः शब्द का अर्थ सह आ जाता। तो सद्भिः सह यानी सज्जनों के साथ, सद्भिः एव सह यानी केवल सज्जनों के साथ ही, एव शब्द का अर्थ है ही। आसीत सज्जनों के साथ ही, आसीत शब्द का अर्थ है बैठना चाहिए, वो आस धातु से बनता है और विधि अर्थ में उचित चाहिए इस अर्थ में बनता है विधिलिंग लकार, तो उसका रूप बनता है आसीत, आस धातु का आसीत। तो सज्जनों के साथ ही आसीत यानी बैठना चाहिए, यानी इसका अर्थ यह है कि दूसरे प्रकार के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए। वैसे ही सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही सद्भिः, तृतीय बहुवचन, सज्जनों के साथ कुर्वीत संगतिम, संगतिम कुर्वीत, संगति यानी साथ, तो सज्जनों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए। कुर्वीत ये कृ धातु का वही आत्मनेपदी रूप है और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एकवचन है। वैसे ही तो उन्होंने कह दिया कि सज्जनों के साथ उठना बैठना होना चाहिए, सज्जनों के साथ ही मित्रता दोस्ती होनी चाहिए, और सद्भिः विवादम मैत्रीं च, कह रहे हैं कि सज्जनों के साथ उठना बैठना, सज्जनों के साथ दोस्ती मतलब उनका साथ, उनकी कंपनी, और सज्जनों के साथ मैत्री भी करना है, और यहाँ तक कि अगर विवाद भी करना है, अगर लड़ाई भी करनी है, झगड़े भी करने हैं, तो भी आप सज्जनों के साथ ही करिए। यानी एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि आप अपने जीवन जीने के लिए जो परिजन हैं वो केवल सज्जनों को ही चुनिए। कह रहे हैं कि न असद भी ही किंचित आचरेत, और असज्जन जो है, जो सज्जन नहीं है, जो दुर्जन है, उनके साथ कुछ भी मत करिए। दोस्ती तो करना ही नहीं, यहाँ तक कि दुश्मनी भी मत करिए, विवाद मत करिए, लड़िए भी मत उनके साथ, यानी पूरी तरह से अपने जीवन में दुर्जनों को इग्नोर कर दीजिए, तभी आप सुखपूर्वक अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं पढ़ता हूँ। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, आज हम चार सुभाषित पढ़ लिए हैं, इनके अर्थ हमें समझ में आ गया है। अब इसके अगले कड़ी में
हम और दो सुभाषित पढ़ेंगे और इसी पाठ में आए हुए जो कुछ व्याकरण के विशेष प्रयोग हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद। संप्रति भवद्भिः श्रुतम् पाठ्यचर्याधारिता ध्वनिशाला, निर्माणं सहयोगश्च मीनाक्षी कुकरेति, तनु गुप्ता च, ध्वन्यांकनं शानु मुकसीमः, विकास सांगवानश्च, निर्माणं विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।